श्योपुर शहर में ईद मिलादुन्नबी के जुलूस के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों ने सीताराम मंदिर के सामने सर तन से जुदा के विवादित नारे लगाए थे। साथ ही मंदिर के सामने फटाके भी फोड़े थे, जिसको लेकर पुलिस अधीक्षक ने कड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें, ईद मिलादुन्नबी के जुलूस के कुछ वीडियो सामने आए थे, जिसमें असामाजिक तत्वों द्वारा मंदिर के सामने सर तन से जुदा के विवादित नारे लगाए थे और इसके अलावा मंदिर और घर के सामने पटाखे फोड़े जा रहे थे। इसी बात को लेकर हिंदू संगठन के लोग भड़ गए और कोतवाली थाने का घेराव कर संबंधित व्यक्तियों पर कार्रवाई करने की मांग की थी, जहाँ पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र जैन ने मामले पर कार्रवाई करते हुए जुलूस के दौरान ड्यूटी पर तैनात 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया। इनमें से 1 एएसआई, 1 दीवान और 2 आरक्षक शामिल है। वही धर्म विरोधी नारे लगाने वाले 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। आज मुस्लिम समुदाय का पर्व है ईद उल नबी जो है मिलाद उन नबी, उसके उपलक्ष्य में श्योपुर में जुलूस निकला था। हर साल निकलता है, 8-10 साल से निकलता है, लेकिन जैसे ही ये जुलूस मुख्य मार्ग से घूमता हुआ मालियों के मंदिर की तरफ जाकर भोईमल्ल के आगे बढ़ा, तो उस जुलूस में जो उपद्रवी टाइप के लोग थे, असामाजिक तत्व थे, जो अमन भाईचारे को बिगाड़ना चाहते थे, उन लोगों ने उलूल जुलूल के नारे लगाए, फटाके फोड़े, मंदिर की तरफ फेंके, लोगों के मकानों की तरफ फेंके, और इस प्रकार का व्यवहार उन्होंने किया कि जिस प्रकार से वो मोहल्ले के लोग एकदम असुरक्षित हो गए, आतंक मतलब एक ऐसे माहौल में हो गए कि अरे ये हो क्या रहा है, कोई घटना तो हमारे ऊपर नहीं कर रहे। तो घटना जो करी उससे मोहल्ले के उस क्षेत्र के लोग बड़ा आक्रोश में आ गए। उन लोगों ने हमको फोन किया, हम भी उनके इसमें पहुंचे। उन लोगों से जब हमने बातचीत करी तो उन्होंने वीडियो दिखाया, उस वीडियो में नारे लगा रहे, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा करेंगे। अरे भाई, सर तन से जुदा करना तो जुलूस में क्यों कर रहे हो, इधर आके करो, हम गोलम्बर पे खड़े, इमामबाड़े पे आ जाए, इस्लामपुरा में आ जाए, जनता नगर में आ जाए, क्या करना चाहते हो हमको बता दो, क्या आपके अंदर हिम्मत है तो सर तन से जुदा करने की। और ये उन्होंने इस प्रकार के नारे लगाकर भारत के संविधान को चुनौती दी है, देश के खिलाफ विद्रोह करने की उन्होंने आवाज उठाई है, और इसलिए हमने प्रशासन से कहा है कि उनके खिलाफ देशद्रोह या और भी उससे अधिक जितने मतलब संविधान को चैलेंज करना, सर तन से जुदा करने का मतलब हम संविधान को चैलेंज कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और ऐसी कार्रवाई की जाए कि उन उपद्रवियों के कारण उनके उनके खिलाफ की जाए कार्रवाई को देखकर अन्य कोई उपद्रवी उत्पात मचाने की भविष्य में कोशिश नहीं करें। श्योपुर शहर में भोई मोहल्ले के निवासी विक्रम चौहान ने थाने में शिकायत की थी कि उसके घर के सामने मिलाद उन नबी का जो जुलूस चल रहा था उसमें कुछ लड़कों ने वहाँ पे पटाखे फेंके हैं, और जिससे उसकी स्थिति संकटापन उत्पन्न हो गई थी वहाँ पे, और नारे भी लगाए हैं जो कि हिंदू विरोधी नारे हैं। ऐसे FIR में लेख किया गया, पुलिस ने इसमें अपराध पंजीबद्ध कर लिया है और प्रथम दृष्टया 3 आरोपियों को चिन्हित करके गिरफ्तार भी कर लिया है, और पुलिस और आरोपियों के बारे में पतारसी कर रही है। इसमें कठोर कार्रवाई की जा रही है, जो भी अराजक तत्व हैं जिन्होंने शांति बिगाड़ी है उन पर कठोर कार्रवाई की जा रही है।